कृष्णा, तो हम लोग आज भक्ति वृक्ष पुस्तक का पाठ 3 चर्चा करेंगे। सभी भक्तों से अनुभूत अपेक्षा की जाती है कि वे प्रभुपाद प्रणाम मंत्र कंठस्थ करके आवृत्ति कर सकें। यहाँ के जो दरवाज़ा है उसको बंद करके रखिए, मोर डिस्टर्बेंस होता है। सो मेरे साथ में बोलिए, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इनके चर्चा हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दी है, इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं जप के बारे में। कोई भी कहीं भी और कभी भी, कोई भी, कोई अनपढ़ या धनी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश का ये 16 शब्द कोई भी सीख सकता है। आप देखें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह जप करते रहें। इसमें कोई व्यय यानी खर्च नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप कोई सड़क पर चल रहे हैं और आप जप करते जा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कोई व्यय या खर्च नहीं है और ना ही कोई हानि। कल्पना कीजिए कि आप कोई बस में बैठे हैं या कोई गाड़ी में 2 घंटे के लिए, 2 घंटे अगर आप जप करते रहें हरे कृष्णा तो अद्भुत फल की प्राप्ति होती है, तो आप क्यों नहीं कोशिश करते। इसमें कोई व्यय या खर्च नहीं है और ना ही कोई हानि, ना ही कोई समय की हानि, ना ही धन की हानि, ना ही ऊर्जा की हानि। इसमें कोई व्यय या खर्च नहीं है। सीधे सीधे और लय में गाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप साक्षात परम परमेश्वर भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं, आप सीधे जुड़ते हैं। एक चर्चा का विषय इसमें ये है, हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया था कि नाम जब कुछ तो कर सक करिए, कभी तो करिए, ये स्थिति बताई गई थी। और आप क्या बोल रहे हैं, आप हर समय कर सकते हैं, प्रयास तो कीजिए, आपका लाभ बहुत होगा। कोई बता सकता है कि हरे कृष्ण मंत्र से खर्चा तो कुछ नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन लाभ क्या होने वाला है। माइक पे बोलिए, अगर बोलना है तो माइक पे भी, ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा। यस, हम जितना ज़्यादा इस मंत्र का जप करते हैं हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव जीवन हमने चर्चा किया था तपस्या के लिए है, और तपस्या का उद्देश्य हृदय की शुद्धि है, और हृदय की शुद्धि से हमें असीमित आनंद की प्राप्ति होगी, योग्य बन जाएंगे उस असीमित आनंद को धारण करने के लिए। और ये बहुत बड़ा रहस्य है। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये विचार कीजिए, बहुत अच्छे से विचार कीजिएगा, इस क्लास के बाद भी आप विचार कीजिएगा, ये भागवत धर्म बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान कृष्ण हैं, ये रहस्य है, ये लोगों को नहीं पता है। भगवत गीता के द्वारा आप आसानी से जान लेते हो, एक अलग बात है। जैसे उदाहरण लीजिए, कोई पहेली है और पहेली का उत्तर नहीं समझ में आ रहा, कोई आके झट से बता दिया आपको, तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा ये उत्तर था, लेकिन अन्यथा वो पहेली बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार से समझना कि भगवान हैं भी या नहीं, व्यक्ति हैं भी या नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवत गीता को सुन करके हम आसानी से समझ लेते हैं। और उसके बाद हमारा उनसे संबंध है। आज भी इस बात को मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत में, कि कई कई जन्मों के बाद व्यक्ति को जब ये अनुभूति होती है कि वो भगवान वासुदेव का सेवक है, तो पूरे संसार को उद्धार करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। और इस संबंध में सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि वो सोचते थे कि जब मुझे 2 घंटा जप करना है तो क्यों ना मैं अच्छे से करूं, और उसको करते रहने से नाउ आई हैव डेवलप्ड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू कृष्ण, कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये अनुभूति उनके हृदय में जागृत हो गई। तो ये बड़ी विशेष उपलब्धि है। क्यों विशेष उपलब्धि है, ये मेरे केवल बोलने से आपको नहीं समझ में आएगा, ये आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि हम लोग शाश्वत आत्मा हैं और कितने जन्मों से इस जगत में हम भटक रहे हैं, इसका अंदाज नहीं लगा सकते। इसी संबंध के विस्मरण के कारण, जो भगवान से हमारा संबंध है, इसी के विस्मरण के कारण, और इसी कारण हरिनाम सर्वश्रेष्ठ औषध है,
क्योंकि ये हमारे भगवान से जो हमारा संबंध है उसको जागृत कर देगा। और ये बहुत बड़ा रहस्य है। आप लोगों को लगेगा कि इसमें रहस्य क्या है, लेकिन है बहुत बड़ा रहस्य, क्योंकि जीवात्मा का एक संबंध है विशिष्ट रूप से भगवान का के प्रति, और वो हरि कृष्ण नाम महामंत्र से जागृत होता है। जैसे कि फ्लावर जो है ना सीड रूप में होता है, फिर बर्ड्स आते हैं, फिर फ्लावर आता है, धीरे धीरे करके आता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि जो भक्ति की लता वाला, जिसमें बीज होता है, फिर थोड़ा सा और बढ़ती है लता, उसमें जब जल दिया जाता है तो जल क्या है, श्रवण आदि जल, भगवान का नाम सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना, ये मुख्य सेवा है जिसके द्वारा हम इस भक्ति लता का पोषण करते हैं। फिर अंत तो एकदम आगे जा करके इसमें कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाभ क्या है, उससे बड़ा लाभ क्या समझ में आया आपको, भगवान से हमारे संबंध की जागृति होने लगती है। बाकी सारे आनुषंगिक लाभ है, जैसे कि मन की शांति प्राप्त करना, वो सारी चीज़ें तो आपको महसूस होंगी, लेकिन ये सबसे बड़ा लाभ है जिसकी वजह से हम लोग जन्म जन्मांतर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं, जिसके बारे में हमने पार्ट दो में चर्चा किया था। ये सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्या लाभ है। और दूसरा लाभ आप ये भी जानते हो कि नाम स्पर्श करने मात्र से अहो बता स्वपचतो गरीयान या जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तप जुह्वनु शश्नु आर्य ब्रह्मानुचुर नाम अग्रंती। ये चीज़ पे भी अगर विश्वास करें तो हम कितना अधिक आग्रह होगा हमारा नाम जप करने का। एक नाम उच्चारण करने वाला इतना लाभ कर लेता है, सारा तीर्थों का भ्रमण कर लेता है, सारा जो भी आर्यों को उचित कार्य आचरण कर लिया होता है उसने, सारे यज्ञ कर लिए होते हैं, और क्या सारे तीर्थ पवित्र नदियों में स्नान कर लेता है। और इस बात को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्षणे क्षणे करो तुम तीर्थ जल स्नान। सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, हर नाम के संग हर क्षण आप तीर्थ जल का स्नान कर रहे हैं, इतने परम पवित्र हैं। और अगर ऐसे भक्तों के संग हमको रहने का मौका मिल जाए, बातचीत करने का मौका मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हरि नाम करने वालों का सम्मान करना ये हमें सीखना पड़ेगा, और ये शास्त्र सुनकर के आना चाहिए। तो लाभ बहुत बड़ा है, समझ में आ रहा है लाभ, केवल जीभ से टच करने मात्र से आपको सारे पुण्यों का लाभ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चर्चा का विषय शरीर मन और आत्मा, माइक से शुरू कीजिए। कौन पढ़ेंगे, अमृत गौरपुर पढ़ना चाहेंगे, माइक दीजिए इनको। माइक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस में विश्वास करते हैं? हरे कृष्ण अभियान का दार्शनिक पक्ष क्या है? श्रील प्रभुपाद जी, हाँ, कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति विश्वास का प्रश्न नहीं, परन यह तो एक विज्ञान है। उस विज्ञान का प्रथम चरण तो यही ज्ञान प्राप्त करना है कि जीवित एवं मृत देह में अंतर है। वो अंतर क्या है? यह अंतर यही है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह की त्याग देती है, और इसलिए शरीर मृत कहलाता है। तो दो वस्तुएं हुई, एक ये देह और दूसरी देह की भीतर रहने वाली आत्मा। ये ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने को देह मानता रहेगा तो देह संबंधित वस्तुओं को अपना मानता रहेगा, और उसकी आसक्ति इन वस्तुओं में शरीर में बनी रहेगी। जब हम ये सुन लेते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, इसका अर्थ नहीं है कि हम इस देहात्म बुद्धि से तुरंत मुक्त हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगता है जिसके द्वारा वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाए। क्या आप समझ पाए? मेक सेंस? हम तुरंत देहात्म बुद्धि से मुक्त नहीं हो सकते हैं अभी, लेकिन उन कार्यों में लगे हुए हैं, हरि कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये अज्ञान नष्ट होने लगता है। ओके माइक, अच्छा, क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि हरे कृष्ण अभियान आंदोलन का सदस्य बन जाने पर हमारे जीवन में क्या अंतर आ जाता है? एक इंटरेस्टिंग बात और भी थी कि ये क्या अंतर आएगा, इसके बारे में विचार कर रहा था कि अगर आप थोड़ा सा विचार करें कि
इस जगत का यश भी इल्यूजरी है और उसी प्रकार से अपयश भी इल्यूजरी है, क्योंकि दोनों ही शरीर के ऊपर आता है। और श्रील प्रभुपाद समझा रहे थे एक लेक्चर में कि हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, भक्ति के साथ साथ बुद्धि के द्वारा इनको रिजेक्ट करना चाहिए, यश का और अपयश का। कोई व्यक्ति आके कहे कि आप बहुत महान हैं, रिजेक्ट करना चाहिए, हमको नहीं जानता। कोई कहता है मूर्ख है, वो भी रिजेक्ट करना चाहिए, नहीं जानता। हमारे वास्तविक स्वरूप को वो व्यक्ति नहीं जानता, क्योंकि वो खुद अपने आप को नहीं जानता। और आप ये भी देखेंगे कि कभी कभी वही व्यक्ति आपको आज आपकी सम्मान कर रहा है, वो 2-4 दिन या 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर वही व्यक्ति आपको असम्मान करेगा। इसको उदाहरण ऐसे दे सकते हैं, जैसे आप लोग ये तो सब जानते हैं कि हमारी प्लेट में जो आज आया है वो हमारे कर्मों के अनुसार है, उसके लिए उद्विग्न होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए हमको कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आपकी प्लेट में जो आज आया है वो आपके कर्मों का फल है या भगवान की कृपा है, दोनों ही सिचुएशन है, लेकिन भगवान के अरेंजमेंट से, उसके लिए उद्विग्न नहीं हो। उसी तरह हमारे को यश मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी मिल रहा है हमारे को, मतलब हमारे शरीर और मन को पहले से सेट कर दिया गया है, उसके लिए बहुत उद्विग्न होने की ज़रूरत नहीं है। व्यवहार और दृष्टिकोण में अंतर है। अगर दृष्टिकोण में थोड़ा अंतर होगा तो व्यवहार भी धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाने के लिए प्रयास नहीं करें या खाना जोड़ने का प्रयास नहीं करें, लेकिन आएगा वही जो हमारे कर्मों के अनुसार है। तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने चित्त को इस चेतना में आविष्ट करने का प्रयास करेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भक्ति के अभ्यास के साथ साथ, डायरेक्ट अभ्यास के साथ साथ, हमको इस चेतना में भी फिक्स होना पड़ेगा कि हम लोग शरीर नहीं हैं, आत्मा है। नहीं तो हम भक्ति का उपयोग या भक्ति के जो लाभ है उसका उपयोग दैहिक चीज़ों को प्राप्त करने में लगा देंगे, जो देह से संबंध चीज़ें हैं उसमें खर्च करने लग जाएंगे कि मैं हरे कृष्ण मंत्र कर रहा हूँ ताकि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसे करके। व्यक्ति धीरे धीरे समझेगा कि देह से संबंधित कोई भी वस्तु मुझको संतुष्ट नहीं कर सकती। ओके, ये सारे अंतर आते हैं व्यक्ति के जब वो कृष्ण भावना में आता है। इट्स अ टैंजिबल प्रोसेस। और एक और बात प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताई है, विज्ञान है। विज्ञान में थ्योरी होती है, उसके अनुसार आप एक्सपेरिमेंट करिए और आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आपने ठीक से किया है, और रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आपने ठीक से नहीं किया है। और अगर रिजल्ट मिलता नहीं है तो इसका अर्थ क्या है, हमने एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि थ्योरी गलत है। समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी समझ में आ जाता है उसको। थ्योरी बिल्कुल सही है क्योंकि पहले के लोगों ने सेट किया हुआ है, टेस्ट कर चुके हैं। अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक से नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ा। जैसे हरि नाम में अनंत आनंद है, सुख है, नहीं आ रहा है इस वक्त या नहीं किसी को मिल रहा है, तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहा है। भक्ति करने से अज्ञान नष्ट होता है, नहीं हो रहा है मतलब कोई अपराध कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है। तो ये विज्ञान है, अगर उसको हम ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा ही, इसलिए विज्ञान है। तो ऐसा नहीं कि मैं विश्वास करके बैठा हूँ। विश्वास का अर्थ हो सकता हो सकता नहीं हो, लेकिन विज्ञान का अर्थ क्या है, थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट है और रिजल्ट आपको प्राप्त हो गए। ओके, श्रील प्रभुपाद, व्यक्ति की वास्तविक शिक्षा तभी आरंभ होती है। सर्वप्रथम तो समझना है हम एक चिन्मय आत्मा है और आत्मा होने के कारण हम अपना शरीर परिवर्तित कर रहा है। परमार्थिक ज्ञान का यह का खा गा है। तो जब आपका देहांत होता है अर्थात देह का नाश हो जाता है तब आपका अंत नहीं होता, आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अपने कोट और कुर्ते को बदल सकते हैं। यदि आप काल विभिन्न प्रकार का कुर्ता और विभिन्न प्रकार का कोट पहन कर मुझसे भेंट करने आते हैं तो क्या इसका अर्थ हुआ कि आप एक भिन्न व्यक्ति है? जी नहीं। इसी प्रकार प्रत्येक बार जब आपकी मृत्यु होती है तो आप शरीर परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु आप
अर्थात शरीर में रहने वाली आत्मा वही रहती है। प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा कोट एवं कुर्ते को बदलने के उदाहरण की चर्चा करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोगों के कोट और शर्ट से ईर्ष्या नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपका धोती कुर्ता मेरा दुश्मन है और आपका धोती कुर्ता मेरा फ्रेंड है, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन हम यहाँ पे लोगों को दोस्त और दुश्मन के रूप में सोचते हैं, है ना? क्या यह ज्ञान है या नहीं है? हम लगे रहते हैं किसी व्यक्ति की निंदा करने में, ऐसा है वैसा है। अगर आप उसके स्वभाव की भी निंदा कर रहे हो तो वस्तुतः उसके सूक्ष्म शरीर की निंदा कर रहे हैं। आत्मा तो अपने आप में शुद्ध है, है ना? कितनी अजीब सी बात। और उसमें हम कितना समय, अपनी वाणी का कितना समय व्यर्थ कर देते हैं। ये तो आज मैं पढ़ रहा था श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में, तो मुझे इतना हिट कर रहा था कि हमारी वाणी केवल भगवान के गुणगान के लिए है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। और ये दूसरों की निंदा करना या दूसरों की कुछ चर्चा करना भगवान के रहते हुए, ये मानव जीवन का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। जीव जो है वो अन्य लोगों के वर्णन करने के लिए नहीं बनाई गई है। और हम अन्य लोगों का वर्णन कर भी तो नहीं रहे, हम तो उनके शरीर और मन का वर्णन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है, इसलिए कॉन्शियसली व्यक्ति को हरि कथा में लगे रहना चाहिए। इसी के लिए जीवन है, बस मानव जीवन इसी के लिए। अब अगर लोगों को श्रद्धा नहीं है तो शास्त्र बोलते हैं कि अपने कर्म करते रहिए, और कर्म करते 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 वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो फिर धीरे धीरे श्रद्धा उसके हृदय में आ जाती है। इसको एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये भी है कि जब हम लोग भक्ति करते हैं तो हमसे तुरंत केवल हरे कृष्ण मंत्र नहीं होता है, ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के हरि कथा कर पाएं, वो अधिकार नहीं है हमारा भी। तो इस कारण से अन्य सेवाओं के द्वारा भी भगवान की सेवा की जाती है, कर्मों को भगवान को समर्पित किया जाता है। धीरे 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 आपको हरि कथा हरि नाम में श्रद्धा और टेस्ट मिलने लग जाएगा, तो फिर उधर हमारा आवेश अधिक होगा और बाकी सारे कर्म अपने आप छूटते चले जाएंगे। तो ये दिखाएगा कि हम कितना, ये जो स्तर है ये इसका अर्थ है कि हम आत्मा के स्तर तक अधिक बढ़ रहे हैं। और कोट और कुर्ते के बदलने से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे, इट्स वेरी अमेजिंग। ये सारी चीज़ें सहज, जब हमारे हृदय में थोड़ा सा सत्वगुण बढ़ता है तो फिर हमें समझ में आने लगती है। बात बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे। अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ सकते हैं। माइक, जी हाँ, परंतु आध्यात्मिक प्रकाश के साथ ही साथ क्या आप लोगों के शारीरिक लक्षण, शारीरिक कल्याण के लिए भी चिंतित हैं? शिला प्रभुपाद, पारमार्थिक कल्याण कार्य करने से शारीरिक कल्याण अपने आप ही हो जाता है। माइक, यह किस प्रकार होता है? मान, शिला प्रभुपाद, मान लीजिए आपके पास एक मोटर कार है तो स्वाभाविक ही आप अपने साथ ही साथ मोटर की देखभाल करते हैं, परंतु आप अपने आप को मोटर नहीं समझते। आप यह नहीं कहते मैं यह मोटर हूँ, ऐसा कहना मूर्खता है। परंतु लोग यही सब कुछ तो कर रहे हैं, वे अपने शरीर रूपी मोटर की आवश्यकताओं से अधिक देखभाल कर रहे हैं। वास्तव में वे चिन्मय आत्मा हैं और उनका एक दूसरा भी प्रयोजन है। जैसे कोई मनुष्य पेट्रोल पीकर संतुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई भी केवल शारीरिक क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हो सकता। हमें आत्मा को यथोचित भोजन देना आवश्यक है। यदि एक मनुष्य यह सोचे मैं एक मोटर हूँ और इसीलिए आवश्यक ही मुझे पेट्रोल पीना चाहिए, तो उस मनुष्य को पागल समझा जाएगा। उसी प्रकार जो यह सोचता है कि वह यह शरीर है और शारीरिक आनंद के द्वारा सुखी होने का प्रयत्न करता है, वह एक पागल व्यक्ति ही है। इस धारण को समझना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति कार में भूखा है तो कितना भी डीजल डाले भूखा रहेगा। ऐसे ही कितनी भी भौतिक उपलब्धियां हम इकट्ठी कर लें,
कितनी भी वस्तुएं हम इकट्ठी कर लें, हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि जीवात्मा स्वरूप से चिन्मय है, इसलिए इसको सुख देने के लिए चिन्मय वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या बोला मैंने अनंत कृष्ण प्रभु अभी? जीवात्मा चिन्मय है और इसको सुख देने के लिए चिन्मय वस्तु की ही आवश्यकता है। यस, भौतिक वस्तुएं हमें सुख नहीं देती हैं, कुछ समय के लिए हमारे मन में अनुकूल वृत्ति का सृजन कर देती है, तो मन की अनुकूल वृत्ति को हम सुख मान बैठते हैं। और ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत प्रेरणादायक बात भी है कि हमारा जो मन है वो भगवान के अलावा कहीं नहीं लग सकता। बहुत ही गहरी बात है, भगवान ने हमको इस जगत में रखा है, लेकिन एक मन ऐसी वस्तु दे दी है जो कहीं पे भी नहीं लगेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मन एक ऐसी वस्तु है जो भगवान के चरणों के अलावा कहीं नहीं लगेगा। और इसके प्रमाण है हिरण्यकश्यपु और दुर्योधन। हिरण्यकश्यपु भी पूरे जगत का राज्य प्राप्त करने के बावजूद भी असंतुष्ट था, क्योंकि उसकी इंद्रियां संयमित नहीं थी। दुर्योधन जब वो मर रहा था और अश्वत्थामा उसके बगल में था, उसको बोला कि ऐसा कोई भोग नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हुआ हो, फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि व्यक्ति आत्मा का भोजन आत्मा को दिए बिना संतुष्ट नहीं हो सकता है। और आत्मा का भोजन है कृष्ण की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। भक्ति करते हैं तब व्यक्ति ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी, जिसके द्वारा आत्मा को सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति जितना इस बात से कन्विंस होगा उतना ही भक्ति अहेतु की करने का प्रयास करेगा, यानी भक्ति के और कुछ के बदले में कुछ मांग रहे हैं तो उतनी संतुष्टि नहीं होगी। भगवान विष्णु भी इस बात को बोलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति कर रहा है तो कुछ मांग नहीं सकता, लेकिन निष्काम जितनी भक्ति होगी उतना ही भक्त को आनंद और सुख प्राप्त होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या एक चालक ड्राइवर पेट्रोल पीकर रह सकता है? तो उत्तर स्पष्ट है, नहीं रह सकता है। पेट्रोल कार के लिए है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं हमेशा इस बात को समझाता हूँ कि जब आप कार में हो तो आपको ये पता है कि पेट्रोल है कि नहीं, ये भी पता है कि हवा है कि नहीं, और आपको ये भी पता है कि गाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, लेकिन ये भी पता होना ज़रूरी है कि हम इस गाड़ी से जा कहाँ रहे। और एक बिजनेसमैन का ये अवेयरनेस रहती है कि गाड़ी की क्या आवश्यकताएँ हैं और उसको पूरा भी करता है, लेकिन उसकी जो आसक्ति चित्त जो है वो अपने बिजनेस के लिए है जिसके लिए वो जा रहा है। ऐसे ही इंद्रियिक स्तर पे सेंसुअल प्लेटफॉर्म, हम लोग अभी पूरी तरह देह की चेतना से मुक्त नहीं हैं, लेकिन चेतना अगर भगवान में आविष्ट है तो दिव्य स्तर पे रहते हैं। ये थोड़ी मुश्किल है बात, किसी को समझ में आए और मुझे समझाने का प्रयास करे। ओके, किसी को नहीं समझ में आई? ओके, अनंत कृष्ण प्रभु, यस, जिसको भी बोलना। हाँ बोलिए अनुप्रभु। इसमें जो मेरे को समझ में आया है कि हम अपने शरीर से सारे कार्य करते रहें, ओके, और जो हमारा कार्य हो वो हमारे ऑब्जेक्ट वो कृष्ण को प्लीज करने के लिए हो। यस, और इससे हम लोग शारीरिक स्तर पर रहते हुए भी दिव्य स्तर पर रहते हैं। और ये भी बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि आपको भक्त सामान्य तरह से कार्य करते हुए दिखाई पड़ेंगे, खुद अपने आप को भी आप तुरंत नहीं महसूस करेंगे कि आप दिव्य स्तर पे हैं, लेकिन धीरे धीरे महसूस करेंगे कि कृष्ण की कोई भी सेवा करने में एक विशेष प्रकार का सुख प्राप्त होता है। और वही कार्य भौतिक जगत में जब तक पैसा नहीं मिले व्यक्ति करता नहीं, कोई सुख नहीं मिलता उसको। ठीक है, एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं हम लोग। कुछ पूछा सर? यस, जैसे हम कोई सेवा करते हैं, जैसे हमको गुरु जी ने कहा या किसी सीनियर अथॉरिटी में सेवा करने का, तो हम सेवा करते हैं, लेकिन ये थॉट हमें नहीं आता बार बार कि हाँ ये हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इस अथॉरिटी या गुरु की प्रसन्नता के लिए करना हमारे लिए सहज है, और गुरु को प्रसन्न करना ये कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए गुरु को स्वीकार, प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना ज़रूरी है। यस प्रसादात भगवत प्रसादो, हमें ये तुरंत नहीं दिखता है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन ये तो तुरंत दिखता है कि इससे अथॉरिटी प्रसन्न होते हैं, या जो इसके अंडर में हम सेवा कर रहे हैं कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, आध्यात्मिक अथॉरिटी। और फिर ये भावना, ये इसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इसके द्वारा व्यक्ति सीखता है कि मुझे कृष्ण की सेवा कैसे करनी। ओके, 21 कौन पढ़ेंगे? दशरथी प्रूव करना चाहेंगे।
पढ़िए 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 जल्दी पढ़िए। क्या हो गया? माइक आपने कहा कि मृत्यु के पश्चात मिलने धीरे धीरे बोलिए। माइक आपने कहा कि मृत्यु के पश्चात मिलने वाले अगले जीवन पर इस जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव पड़ता है और ऐसे प्राकृतिक नियम हैं कि आपका अगला जीवन निर्धारित करते हैं। यह देहांतर की विधि किस प्रकार से कार्य करती है? श्रील प्रभुपाद, यह प्रक्रिया अर्थात विधि अत्यंत सूक्ष्म है। हमारे भौतिक नेत्रों के लिए आत्मा अदृश्य है, इसका आकार परमाणु से भी छोटा है। इंद्रियां, रक्त, हड्डी तथा वसा से बने इस स्थूल शरीर का नाश होने पर भी मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर छोटी सी आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। यह विधि उसी प्रकार है जैसे वायु अपने साथ गंध को ले जाती है। कोई यह नहीं देख सकता कि गुलाब की सुगंध कहाँ से आ रही है, परंतु हम यह जानते हैं कि यह वायु के द्वारा लाई जाती है। आप देख नहीं सकते कि यह किस प्रकार हो रहा है, परंतु ऐसा ही होता है। उसी प्रकार आत्मा का देहांतर भी अत्यधिक सूक्ष्म है। मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से एक विशेष माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तत्पश्चात माँ के द्वारा दिए गए एक विशेष प्रकार के शरीर के रूप में आत्मा का विकास होता है। यह शरीर मनुष्य, बिल्ली, कुत्ते या किसी अन्य जीव का हो सकता है। आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया पर सोदाहरण चर्चा करें। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, वायुर्गंधा निवाशयात, ये भगवद्गीता का श्लोक है। जैसे वायु में गंध व्याप्त रहती है, गंध दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वहाँ उसी प्रकार से, और वायु भी दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार से मन नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मन में इच्छाएं सब लोग अनुभव करते हैं, और मन की इच्छाओं के कारण व्यक्ति को अपना अगला देह स्वीकार करना पड़ता है। इस संबंध प्रभुपाद जी आज मैं कोई वक्त लेक्चर सुन रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा सुना कि व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए कोई भी कार्य करने से पहले। कार्य हम मन से, वाणी से और शरीर से करते हैं कि क्या ये कार्य भगवान से संबंधित है, और अगर नहीं है तो ये ध्यान विचार करना चाहिए, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के अलावा कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वो कर्म बंधन का कारण बनेगा। कैसे बनेगा? उस कार्य के द्वारा भौतिक इच्छा हृदय में आ जाएगी और फिर उसके कारण हमको अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बहुत खतरनाक जगह में रह रहे हैं जहाँ पे कर्म बंधन लगना स्वाभाविक है। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत सतर्क होकर के अपने मन की इच्छाओं को देखते रहना चाहिए और अपनी मन की इच्छाओं को अधिकाधिक भगवान की ओर टारगेट करना चाहिए। और ये स्वाभाविक होने लगता है जब हम हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से करते हैं, क्योंकि भगवान के नाम के द्वारा हमारे हृदय की जो भौतिक इच्छा है वो गायब हो जाती है और आध्यात्मिक इच्छा रिप्लेस हो जाती है, और वो बढ़ता चला जाता है और उसके अनुरूप हमारा जो भक्ति का अनुभव है, जो नाम की जब की मिठास है या कथा का अनुभव है, वो सब कुछ परिवर्तित होने लगता है, एक्स्ट्रा होने लगता है। और फिर ऐसा होता है कि उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हम और लोभी होते चले जाते हैं। तो फिर यही हमारे आध्यात्मिक शरीर के निर्माण का, कह सकते हैं आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति का, कह सकते हैं बीज पड़ जाता है। ये सिस्टम यही है, कहना चाहिए। जब लोग सुनते हैं ना लोभ, लोभ एकमात्र है मूल्य कृष्ण को प्राप्त करने का, तो लोभ का अर्थ यही कि और अधिक भक्ति करना चाहता है, और अधिक भक्ति करना चाहता है, और अधिक अनुभव प्राप्त करना चाहता है। तो इसके द्वारा व्यक्ति देहांतर की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएगा, और अगर एक जन्म में मुक्त ना भी हुआ तो उत्तरोत्तर उसकी प्रगति होती चली जाएगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत आज जबरदस्त पढ़ी, कि जो व्यक्ति निराकार की उपासना करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी उनका अस्तित्व भगवान में मिल जाए, उनको पेड़ का शरीर मिलेगा या फिर पत्थर का शरीर मिलेगा। और नहीं नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं, भौतिक जगत में। मैं चमत्कृत था, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया,
जो लोग निराकारवादी हैं, जो मायावादी हैं, उनको स्टोन का शरीर मिलता है, पत्थर का शरीर मिलेगा या पेड़ का शरीर प्राप्त होगा, और जो भोग वांछा करते हैं उनको देव देह प्राप्त होगा, देवताओं का शरीर प्राप्त होगा। तो इस दृष्टि से देवताओं को उससे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को जीरो नहीं करना चाहते, और वस्तुतः आत्मा का अस्तित्व जीरो कभी हो भी नहीं सकता। अविनाशी तु तद्विद्धि येना एदम सर्वम ततम, आत्मा जो है वो अविनाशी है, तो समझ में आना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की इच्छा करने वालों को काफ़ी लंबे समय तक फैसिलिटी दे दी जाती है कि आप कहीं पत्थर या पेड़ ऐसे बन के रह जाइए, बिल्कुल इमूवेबल जिसे कहना चाहिए। तो खैर, आत्मा के अन्य गुणों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आज कथा को विराम देंगे। दिस स्टॉप, हाँ स्टॉप दिस। हरे कृष्ण।